एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? जरूर बताएगा, हमें बिल्कुल बढ़िया। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं मनी भवार कॉफी शेयर से। और आज है 30 अगस्त, तो आज रक्षाबंधन आज और कल 31 को मैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा था कब है बोल के, तो कन्फर्म हो गया कि कल सुबह 7:05 तक है, क्योंकि आज कोई भद्रा वगैरह है तो आज हमने सेलिब्रेट नहीं करा। फिर गोल्डी का स्कूल था और अभी सैली मैं गोल्डी जाने वाले हैं राखी लेने मार्केट, तो आज आपको ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। और तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए और आगे बने रहिएगा। ओके यार, हो गया और धूप लग गई है बहुत भयंकर वाली। अभी 5:30 हो रहा और चलते हैं गोल्डी में सैली। और ये हमारे गांव की निहारी की राखी थी, इसको मैं ऊपर दुकान में रख देती हूँ और ध्यान से नहीं रहेगा इसको। तो सैली चल। हे गाइस, अभी गोल्डी ने कुछ नहीं लगाया फेस पे, थोड़ा बोरू प्लस लगाती हूँ मैं। अभी आजकल बोरू प्लस ही यूज़ करती हूँ, तो गोल्डी के फेस पे लगाती हूँ। जब फाट चाहिए कुछ नहीं लगाने दे। मेरा भाई हीरो क्यूट क्यूट सब बंदा मेरा गोरा चिट्टा। तो चलिए हम चलते हैं फिर। तो गाइस, अभी गोल्डी और सैली आ रहे हैं, मैं इनको चुपके से देख रही हूँ। अभी आए नहीं, वो आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं वो। ये आवाज गोल्डा और ये है सैली। सैली बोली मैं काली हो गई, तो पता नहीं क्यों रहता है इन लोगों का, काले जैसे कि लोग नहीं रहते, इंसान नहीं रहते होंगे। तो हम चलते हैं फटाफट से मार्केट राखी लेने। हमारे क्लॉथ में कितने कुत्ते पड़े रहते। अरे बोलना अभी यार गोल्डी, ये मेरा भाई है, क्यूट क्यूट सा। गाइस, मेरे साथ बहुत लड़ाई करता है, बहुत ज्यादा लड़ाई आ गया था कुत्ते दा ना। यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा स्टेडियम। यहाँ पे बेड वगैरह बनते हैं, ऑर्डर देने पड़ते हैं। और अब हम पहुँचे PNB पे, पाठक अंकल के यहाँ पे फेमस सब्जी वाले हैं, काफ़ी अच्छे रेट पे सब्जी हो जाता है। अभी हम गोपेश्वर स्टेशन पे पहुँच गए और यहाँ काफ़ी रश है, क्योंकि रक्षाबंधन है, सारी राखी ले रहे होंगे बच्चे। एक गोल्डी तुझे ये लाऊं मैं गोल्डी के लिए, ठीक है। गाइस, तो जब भी हम गोपेश्वर मार्केट में जाते हैं तो हम मंदिर जरूर जाते हैं, तो आज भी हम गोपेश्वर मंदिर गोपीनाथ के फेमस टेंपल में चले गए थे और उसके बाद हमें राखी वगैरह की शॉपिंग करी। ये गोपेश्वर का प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर, दर्शन कर लिए। और ये गोल्डी पता नहीं, ये भाग रहे थे मंदिर के, परिक्रमा भी नहीं कर रहे थे, इसको उठा उठा के लाई हूँ और फटाफट हम परिक्रमा करते मंदिर की। A few moments later. अंकल एक ये करना, एक ये करना और एक ये वाला करना। इस तरह से ना आज क्या बोली है, एक तरह से गलती करती। आज बहुत भयंकर भीड़ हो रखी है रक्षाबंधन, और गोल्डी को खाने गोल गप्पे, और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी है अभी। और ये आज मार्केट में हम राखी वगैरह लेने के बाद मिलते हैं, हम जाते हैं यम्मी में जो यहाँ का फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, और वहाँ मिलते हैं हमें परमित्र दिप्पी जो भुक्कड़ है एक नंबर की, और खाई जा रही थी और हमारा आया ही नहीं था मोमोज का ऑर्डर, क्योंकि आज इतनी भीड़ थी सब जगह, सारे रेस्टोरेंट फुल के फुल भरे थे। ऐसे लग रहा जैसे कि मेला लगा होगा रात, ढंग से चल यहाँ से एक बार उधर देख। ज़्यादा भीड़ लग रही है और
अभी अंधेरा हो गया और हम निकले तो 5:30 बजे थे, पर आज इतना रश और क्राउड था कि हमें लेट हो गई और अभी हम पहुंच रहे हैं अभी रूम पे जाके आप बात करते हैं। आ गए घर और हमने राखी की शॉपिंग कर दी। मैंने सबके लिए राखी ले ली थी बट क्या है ना ये गोल्डी को लाइट वाली राखी चाहिए थी और फिर मैं ला लिया इसको राखी क्योंकि नहीं तो ये गुस्सा हो रहा था। ये लाइट वाली राखी लाई गोल्डी के लिए और अब हम कल रक्षाबंधन मनाएंगे और अभी चलो ठीक है बाय बाय। कल मॉर्निंग में मिलते हैं, अब थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करते हैं और कल आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। मैं आ गई हूँ अभी और गोल्डी को नहला दी, चल नहाएगी। The next day. नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप लोग? जरूर बताएगा, हमें बिल्कुल बढ़िया। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। और इस ब्लॉग को मैं इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी अपनी फैमिली के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ लड़ाई करते रहिए और रक्षाबंधन प्यार खुशी जो भी है। और ये है मेरा भाई, हमारा रक्षाबंधन। मैंने गोल्डी को नहला दिया, मैं नहा गई और अभी सैली ने नहाई है। हाई, ये मेरा हीरो ब्रदर है ना गोल्डी। हैप्पी रक्षाबंधन तो बोलो सबको, हैप्पी रक्षाबंधन। गाइस गाइस कौन बोलेगा, बोलो यहाँ देख के बोलो। मेरा भाई क्या है, ये बहुत ज्यादा चाय पीता है। गोल्डी और मुझे मेरे में एक चीज कॉमन है, हम दोनों चाय बहुत पीते हैं। और मैं इसके फेस पे लगा रही थी बोरो प्लस और अभी मुझे कुछ मीठे में बनाना है सेवैया। ये मेरा कुत्ती ब्रो, हेलो गोल्डी। ये पता नहीं बात क्यों नहीं करता, जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तभी नहीं करता है बात। और टाइम तो बड़ा शैतान है मेरा ब्रदर। तो अभी मैं बनाती हूँ सेवैया वगैरह और तब तक आप बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी मैं गई प्रीति के रूम में, इसने खीर रखी थी, बोली थी मुझे खीर बनानी नहीं आती है, तो मैंने रखी थी। देखती हूँ अभी बन रही है एक प्रीति की खीर और अब मुझे भी थोड़ा सा मीठा सेवैया बनाना है। अभी पक रही है तो अभी पक जाएगी शायद से। और प्रीति पता नहीं कहाँ चली गई है, अब मैं अपनी सेवैया भी रख देती हूँ क्योंकि सेवैया जल्दी पक जाती है और खीर थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इसको 5 मिनट पहले रख दिया था कम फ्लेम पे। तो हे गाइस, तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैं बनाती हूँ, क्या बनाऊँ, सेवैया बनाती हूँ मैं अभी क्योंकि और क्या बनाऊँ। थोड़ा सा मैंने एक लेक्चर लिया, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना गाइस, तो थोड़ा गोल्डी को पढ़ाया क्योंकि गोल्डी का भी टेस्ट होना है। तो अब मैं बनाती हूँ फटाफट से सेवैया और मीठे में सेवैया बनाती हूँ अभी, तो फटाफट बनाती हूँ। और मुझे एक चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है, मैंने सब जगह राखी भेजी जो अपने भैया लक्ष्य भैया को नहीं भेज पाई क्योंकि वो आजकल हिमाचल में है, तो मैं उनको कभी राखी नहीं भेज पाती हूँ। सॉरी भैया अगर आप ब्लॉग देखते हैं, क्योंकि ना क्या है मुझे मतलब रक्षाबंधन सडन से आ जाता है, पता ही नहीं चलता है मुझे, तो मैं उनको भेज नहीं पाई, इसके लिए सॉरी लच्छू भैया आपके लिए। और आपको हम हमेशा मिस करते हैं, राखी तो रखी रहती है, फिर मैं बोलती हूँ कि रक्षाबंधन तो चले गया, अब नेक्स्ट टाइम से मैं आपको जरूर जरूर भेजूंगी। और आपको हम हमेशा मिस करते हैं, जो सीमेंट वाले भैया बड़े भैया को भेज दिया था और नानी गाँव में भेज दिया था राहुल भैया, और मंकू को भी नहीं भेज पाई। मंकू तेरे लिए भी सॉरी, और नेक्स्ट टाइम से मैं जरूर भेजने की कोशिश करूँगी। तो फिलहाल मैं बनाती हूँ सेवैया। तो गाइस ये है हमारा, क्या है खुली नहीं रहा है, ये है सेवैया का पैकेट जो लिखाई थी मैं कल, इसको कितना सा बनाऊंगी देखती हूँ कितना बनता है। इसको हम घी में फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसको घी में फ्राई करके ऐसा नहीं होता है, वो जो भूसी वाली होती है ना गोल वाली, उसको हम घी में फ्राई कर सकते हैं। ये गैस मैंने ऑन कर दिया और पहले मैं इसमें दूध डाल दी सबसे पहले, यह है दूध और कुछ हट गया, अमीशा ने गरम नहीं करा, मेरे को लगा उसने करा होगा, उसने करा नहीं गरम। तो अब मैं इसमें डालूंगी सेवैया। हम इसको थोड़ा सा इतना काफी डालेंगे, बोलो डालो इतना आपको फॉर दिस टाइम थोड़ी देर में थोड़ी देर अभी हो जाएगा, इसे थोड़ा दूध मिक्स करना है। प्रीति के रूम में और इसका भी बन गया खीर, बट इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं कम रह रखा है दूध, और मेरा भी बनने वाला है बस 2 मिनट में। और अब मैं चलती हूँ उधर, प्रीति भी अब इसमें चीनी प्रीति खुद डाल लेगी जितना उसको चाहिए, तो चलिए फिर।
और भी तो है इसमें राखी, दिख ही नहीं रही। अब मैंने ये सब चीज रख दिया है और मैं बताती हूँ क्या गोल्डी हमको देने वाला है, ओनली चॉकलेट, और ये पैसे उसने खाली दिखाने के लिए रखे हैं, राइट? तो ये गोल्डी हमें पैसे देगा या नहीं? ये वैसे इसने खाली दिखाने के लिए रखा है। और ये है हमारा, इसमें मिठाई है और इसमें मिठाई वगैरह, और इसमें राखी, और ये वाली राखी लाई थी मैं इसको कल लाइट वाली, और ये मैंने थोड़ा सा सेवैया बताया था, और ये मेरा क्यूट सा ब्रदर गोल्डी। और मैंने कैसे लग रहे हैं जरूर बताना। जब तो फोन कर सकते, जब कोई नशा नहीं लग रहा यार। करेक्ट, गोल्ड के सिर्फ रखना था, ठीक है ये हो गया। गोल्डी दे दे, और क्या खाना चाहोगे आप? क्या पीना चाहो? खाना मैं उसको खिलाऊंगी, उधर देख ले। हमारी एक बहन आ रही, तो ऐसे का प्रॉब्लम है। हमारी एक बहन ये भी है, बट ये कभी वीडियोस में नहीं आती है, इसको बहुत शर्म लगती है। और पहले मिठाई तो लगा, ये कभी पता नहीं वीडियोस में आती नहीं है, अभी भी बोली थी मैं नहीं आऊँगी, बड़ी मुश्किल से। बहुत सारे को पता नहीं होगा कि मेरी बहन ये भी है, एक अमीषा है, मेरी बात अमीषा है। और गोल्डी देखो क्या शर्म आ रहा है। अब अमीषा राखी बनाएगी, एक मस्त वोट की चुम्मी मारी। इन दोनों का फोटो शूट भी हो गया है कंप्लीट। और मैं गोल्डी को खीर खिलाना भूल गई हूँ जो बनाया था मीठा। ये है सैली और गोल्डी। सैली का गुड्डा वाला रख, गोल्डी क्यों रहा है? गोल्डी को ऐसी राखी पसंद थी एक्चुअल में, तो हमने ऐसी राखी खाई। लाइक खुली रखना, ठीक है? नया कलर हो गया, मेरी फोटो शूट करेंगे रुक के फिलहाल। गोल्डी और शादी खिला लेंगे अभी मीठा गोल्डी को। मुझे नहीं चाहिए वीडियो बनने का। सैली का गिफ्ट भी दे दे गोल्डी। गोल्डी ने एक चॉकलेट दी है।
बहुत दूर है वो, खतरा तो मान ली भी है ना। शादी के बाद मिठाई देना है मेरे भाई ने, मिठाई उठाएंगे वे। मैं उंगली तेरे को चीर के, मैंने कल ही दे रहे तेरे को, क्या कल ही दे रहे। आरुष जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, खूब अच्छी पढ़ाई करे। आरुष से कल क्यों नहीं लगा? हाँ आरुष, अच्छा इससे हम नहीं आएंगे। मैं भाई अब लगाऊंगी ना, मैं दोनों पे लगाऊंगी, इसके पापा पे भी और इससे भी। ठीक है आरुष, तू भी लगा, मेरा गिफ्ट लेके आना। ठीक है आरुष, आरुष हो गया दीदी। ए आरुष मिठाई तो खा ले। आरुष यहाँ आ, लगाऊंगी आरुष को चल प्रीति दीदी से पहना ले। ठीक है मिठाई खा ली दोनों को, हाँ। में पहनाऊंगी ना दी। हाँ भैया को भी, इसको पूरा खा ले, इसको खा आरुष। आरुष इधर आ, हमारा रक्षाबंधन हो गया और आप सबको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप भी प्यार से रहिए, भाई बहन, भाई बहन तो लड़ाई करते रहते हैं। फिर आज फर्स्ट बार अमीषा हमारे ब्लॉग में आई और ये गोल्डी को फ्रिज में दिया, ये खीर कैसे हो रहा है, गोल्डी का पेट भर गया। और अभी भैया को पहना रहा है इस तरह की, और एक ऊपर वाले भैया, भैया तो नीचे जा रहे थे। हाँ और गोल्डी खाने पर लगा है, खाने पर लगा है बस, खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। I'm right? मेरा गोल्डी के उधर खा लिया, और कुछ खाने मैं भाई को वीडियो कॉल रक्षाबंधन थोड़ा सा बोला, किसी को दिखाने के लिए मैं वो कर रही हूँ। अभी दिखाती हूँ कैसे रक्षाबंधन बनाती है वीडियो कॉल। आना अरे यार प्लीज, अच्छा ना लगा ना, तब तक मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं नहीं 11 बजे के बाद भी तो, तभी तो हमने अभी मनाया, 2 बजे तक है वीडियो कॉल के। उसके भाई का कैमरा क्या बोल रहा है, तू मुझे तो देख सकता तू है। हाँ तो फिर आना, दीदी आप वहाँ कैमरा मैन दिखाने को बुला रहा है। उनका कैमरा खराब हो गया, प्रीति के भाई का दिख रहा तुझे? दिख रहा है सबसे अमेजिंग वाला रक्षाबंधन यही है। राखी हाथ कर, फोन पे ही बांध देना, सैंडल है, मुंह खोल, इधर को कर। अरे मन तो बुद्धि ऐसे बहुत अच्छा था, कभी लाइव मनाएंगे। हाँ लगाओ, हाँ अब पूजा करो। आज ले प्रीति का ऐसे ही रक्षाबंधन हो रहा है सबके साथ, फोटो और वीडियो कॉलिंग। चल हाथ कर। अरे चल हो गया, चल मुंह खोल, मुंह खोलो, बोलो चल आशीर्वाद ले, मैं तुझसे बड़ी हूँ। ये वाला इनके शादी हो गया रक्षाबंधन। यार मेरी मेरी इस पे तो मिठाई पे लड्डू लग गया, लड्डू पे मिठाई लगी, कहाँ है तू? देखते आरुषि ये किसने दिया तुम्हें, ये आरुषि का गिफ्ट देखता है हमें, इसमें आरुषि हमें अपना गिफ्ट दिखाएगी। इसे पकड़ना, क्या क्या आरुषि? ये गैस है। हाय गैस, हैप्पी राखी, ये सब्जी लेने का मेरा कोई अपना भाई नहीं है, मैंने कहा जिस जिसको मान लो उसको करती हूं। चल इसमें
पहले आरती गाओ तो गाइस दे देखो चलो फर्स्ट आठ मैंने गाइस इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब।